तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर इल्जाम लगाए हैं और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इस बार मोदी के बहाने मीडिया पर हमला बोला है। बैंगलोर में रोड शो के लिए निकले केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या मीडिया गुजरात का सच दिखाने का साहस कर सकती है या सच दिखाने का साहस किया है। केजरीवाल ने पूछा कि आखिर क्यों मीडिया का एक तबका मोदी के विकास के दावों पर झूठ बोल रहा है। हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से केजरीवाल लगातार मीडिया पर हमला कर रहे हैं। दो दिन पहले ही उन्होंने नागपुर में यहां तक कह दिया था कि उनकी सरकार बनी तो मीडिया वालों को जेल तक भेज देंगे। हालांकि उसके बाद उन्होंने जब मीडिया ने उनको पूछने की कोशिश की, बैंगलोर पहुंचे और नागपुर में उनको मीडिया ने जब उन्हें घेर कर पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो उन्होंने कहा मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है। तो चलिए, मोदी के बहाने मीडिया पर एक बार जो हमला दोबारा किया है अरविंद केजरीवाल ने बैंगलोर पहुंचकर, क्या कहा अरविंद केजरीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले एक साल में मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बोला? मोदी जी के विकास के बारे में इस देश को झूठ क्यों बताया? और दूसरा, अभी भी क्या मीडिया हिम्मत करेगा गुजरात के विनाश के बारे में सही बात बताने के लिए? क्या गुजरात की सही स्टोरी बताने की मीडिया हिम्मत कर सकेगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी को एक विकास पुरुष के तौर पे कुछ मीडिया के लोग प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो लोगों के साथ धोखा हो रहा है और लोग जगह जगह पूछ रहे हैं। यही मैंने प्रश्न रेज किए हैं कि अभी तक मीडिया के कुछ लोगों ने मोदी जी के विकास के बारे में झूठ क्यों बोला, और क्या अब मीडिया मोदी जी की सच्चाई देश के सामने रखने की हिम्मत कर। आई वेंट टू गुजरात एंड आई सॉ द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स। मैंने वहाँ किसानों की हालत देखी, किसानों की हालत बहुत बुरी है। किसानों की ज़मीनें छीन छीन के अंबानी और अडानी को दे दी गई है। किसान भुखमरी का जिंदगी जी रहे हैं। किसानों की 800 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। उनकी कई चीज़ों पे सब्सिडी खत्म कर दी गई है। और देश के किसानों में मीडिया के कुछ लोगों ने ये प्रचारित किया है कि मोदी जी किसानों के मसीहा हैं। मोदी जी किसानों के मसीहा नहीं हैं। देश के किसानों को झूठ बोला जा रहा है। अगर देश के किसानों को सच्चाई पता चलेगी तो एक भी किसान मोदी जी को वोट नहीं देगा। तो मैं जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं वहाँ देख के आया हूँ, गुजरात में देख के आया हूँ। उसके पहले मैं नहीं बोल रहा था, मैं गुजरात जाने के बाद से बोल रहा हूँ। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि मीडिया को बिल्कुल सच दिखाना चाहिए। और वहाँ पे जो गुजरात की सही हालत है कि किस तरह से वहाँ रिश्वतखोरी का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, वो सब दिखाना चाहिए मीडिया। बैंगलोर में केजरीवाल का रोड शो भी शुरू हो चुका है। मौके का जायजा लिया आज तक की संवाददाता रोहिणी स्वामी ने, देखिए ये रिपोर्ट। अरविंद केजरीवाल अपने कर्नाटक के दो दिन का दौरा शुरू कर चुके हैं और बहुत ही आम आदमी की तरह पहले अपने रोड शो शुरू होने से पहले उन्होंने ये सोचा कि वो एक पब्लिक शौचालय जाएंगे, ये दिखाने के लोगों के लिए कि वो आम आदमी की तरह है। सबसे अहम बात कि ये पूरी जो उनकी रोड शो चलेगी वो सुबह के 11 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक चलेगी, और वो लोगों से मिलेंगे, आम आदमी के वॉलंटियर से मिलेंगे। और यही कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल लोगों को समझाएंगे कि आम आदमी पार्टी लोगों के लिए क्या अलग ले आ सकता है। ये भी कहा जा रहा है कि वो भ्रष्टाचार के बारे में सबसे अहम बात करेंगे, लोगों के बारे में बताएंगे। और दूसरे दिन ये वो जब चिकबेड़ापुर जाएंगे, जो वीरप्पा मोइली की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कहेंगे किस तरह से कि कांग्रेस के जितने भी भ्रष्ट मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में भी कहेंगे। केजरीवाल जब बेंगलोर में है वो वी बाला जो इंफोसिस के CFO हुआ करते थे उनके डिनर पे जाएंगे, और उस डिनर में एक प्लेट के लिए 20,000 रुपये दिए गए हैं। 220 अभी तक इन्विटेशंस गए हैं, और इसके लिए वो केजरीवाल का कहना है कि ये जो डिनर है इसलिए होस्ट किया जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी की फंड्स बना सकें इस इलेक्शंस के लिए। और वो लोगों से बात करते हुए, आम आदमी वॉलंटियर्स भी लोगों से बात करते हुए ये दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से इस लोकसभा इलेक्शंस के लिए आम आदमी पार्टी लोगों के लिए ही अच्छी रहेगी, और क्यों ये पार्टी लोग वोट करनी चाहिए। कैमरन शिवमूर्ति के साथ रोनी स्वामी, बैंगलोर आज तक।